So hello, namaste and good evening dear students. This is going on live and this is our last and final lecture of current electricity. So are you guys ready to learn some of the finest concepts in current electricity? Bacho, aaj RC circuit bilkul aapki demand pe. Kal lenge hum. This is coming to you on JEE Unacademy channel. This is going on live. So hi everyone, I can see most of you are waiting. I am sorry I kept you waiting students. But chalo, aa gaye hain finally. And चालू करते हैं right. So this is going on the Unacademy JEE channel. And if you are coming in for the first time, बच्चों, I am Jayant Nagda. I am here taking class 12th physics. I am BTech from IIT Bombay. I've been teaching close to a decade now. And this is our awesome JEE Live Daily team, जिनके lectures आप रोज लोग देख रहे हो. हम लोग बच्चों यहाँ पे YouTube पे हमेशा daily live आके पढ़ा रहे हैं, कभी quizzes के through, कभी lectures के through. तो I hope you are checking us out daily. And yes, you know what to do. You have to just copy this link. Before we get started, you have to copy the link and share it on your social media. Because ye maine aapko roz ek kaam de rakha hai, take out 1 minute of your life. And if you like our sessions, to aapko ye hamare liye karna padega bachcho. So just copy this 1:30 watching already. You know that we are teaching on Unacademy Plus also. If you are interested there, there are live lectures, recorded lectures, quizzes ho rahe hain, doubt sessions ho rahi hain. To aap wo check out kar sakte hain bachcho. Agar aap interested ho, you can actually feel the difference ke aapki jo regular padhai hoti hai wo kaisi ho rahi hai. Sadiyon se wahi 300-400 saal se waise hi benches pe baith ke aap padhai karte ho. But ye ek naya tarika hai, jaise aapka exam lene ka tarika online ho gaya hai, ye padhai ka tarika bhi online ho gaya hai. So do check it out. Go to this link, unacademy.com/plus, IIT JEE, target select karo. बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे, उनको चेकआउट करो. रेगुलर बैचेस चल रहे हैं बच्चों, है ना. थ्री ऑफ अस आर टेकिंग, मेनी अदर एजुकेटर्स आर देयर, दे आर टेकिंग दीज क्लासेस डेली. ओके, सो डू चेक इट आउट. वी आर ऑल्सो ऑन द प्ले स्टोर पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करो. और उसको डाउनलोड करने के बाद प्लस सेक्शन में जाके, है ना, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म भी है. Unacademy इज फेमस फॉर ऑफरिंग फ्री थिंग्स, बट प्लस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं. आपको पता ही है क्या एक्स्ट्रा चीज़ें. सब्सक्रिप्शन पेड प्लेटफॉर्म जो है, उसमें आपको वेरियस ऑप्शन है सब्सक्रिप्शन के. यू कैन गो एंड चेक आउट. एंड 12 मंथ विल बी द चीपेस्ट फॉर यू. 2000 पर मंथ कुछ आता है. उस पर भी अगर आप JEE लाइव कोड, हमारी टीम का कोड यूज़ करोगे बच्चों, 10% ऑफ मिलेगा. सो डू ट्राई इट. 1800 पर मंथ में JEE लेवल की एजुकेशन, टॉप एजुकेटर्स से ऑल ओवर इंडिया से पढ़ा रहे हैं वो लोग, है ना. सम पीपल आर टीचिंग फ्रॉम कोटा, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम वेरियस अदर प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया. सो कितना ऑसम एक्सपीरियंस है ज़रूर बताना. यहाँ पे ऑसम एक्सपीरियंस अपन ले ही रहे थे कल एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में, जिसकी फेमस एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर. याद है पोटेंशियोमीटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है बच्चों. वन ऑफ देम इज कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल्स. पोटेंशियोमीटर में आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, कि जो आपका AB वायर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना. जो लेंथ के अक्रॉस आप ये जॉकी कनेक्ट कर दोगे, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ से यहाँ तक A to B, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. ओके, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट. पोटेंशियल का वेरिएशन पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है, है ना. यूनिफॉर्म थिक वायर है, उसी वजह से अपन ने यूनिफॉर्म थिक वायर लिया है. यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल आपका इस तरह से चेंज होगा कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा. लेंथ मेजर कर लोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है. तो जो भी पोटेंशियल है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है. दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट. उससे आप कंपेयर कर सकते हो EMF, एक एप्लीकेशन ये. अदरवाइज यू कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. ये सेटअप मैंने कल एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ये एक्सप्रेशन आया था. एक्सप्रेशन इज नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज इम्पॉर्टेंट. एक ही कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियोमीटर का, ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट. उसको अगर आपने लगा डाला तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशंस मैंने समझाई जरूर थी, रटने की जरूरत नहीं है. कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए थे कि आइडियल वोल्टमीटर भी होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ द करंट. इस सर्किट का करंट ये ड्रॉ नहीं करेगा, इसका खुद का अलग एक जिंदगी चल रहा है, उसका करंट अलग है I-. और इधर जो सेकेंडरी सर्किट है इसमें जो करंट चल रहा है वो अलग है बच्चों. तो ये अपना खुद का करंट जनरेट करता है. दिस इज नॉट यूजिंग इट्स ओन करंट एंड मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब आइडियल वोल्ट मीटर है भाई,
अपना खुद का करंट रखता है, दूसरे करंट को नहीं लेता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए ही थे, मैं कर ही रहा था सॉल्व, और आप लोगों को मैंने पीडीएफ में भी दिए थे, तो कैसा रहा उनका आंसर बताओ। हाय एवरीवन, सो एचसी से भी नंबर वाइज क्वेश्चन दे दें होमवर्क में। ओके बच्चे, आपको मैं इस तरह से बोलता हूँ क्योंकि आप तो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हो ना, मैं अपने ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, जैसे ही कंसेप्ट हुआ उसके क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि पोटेंशियोमीटर अगर कर पढ़ा दिया तो एचसीवी में पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आप समझ ही जाओगे कौन से क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के। ये क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क में दिया था, ये ट्राई किया किसी ने, इसको थोड़ा सा देखो आपको समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। और फिर हम आरसी सर्किट आज करने वाले हैं, वो भी करेंगे। सो 90 वोल्ट्स है, देखो यहाँ पे 90 वोल्ट्स है, कैसे अप्रोच करना है वो देख लो, अगर नहीं ट्राई किया तो कोई बात नहीं, अप्रोच देख लो, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। 90 वोल्ट्स है, 10 ओम एंड 20 ओम, दिस एंटायर वायर इज 20 ओम, तो 10 ओम और 20 ओम में 90 वोल्ट्स है, तो 20 ओम्स के अक्रॉस कितना होगा? कैन आई यूज द रेशियो वाला कंसेप्ट, 2/3 ऑफ 90 वोल्ट्स, दिस इज योर 60 वोल्ट्स, 60 वोल्ट्स इज 10 मीटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, यानी कि 6 वोल्ट पर मीटर, अंडरस्टैंड, 6 वोल्ट्स पर मीटर खपत हो रही है यहाँ पे। तो ये वायर आप कहाँ पे जाके, इस पॉइंट पे जाके रुक गए, वहाँ पे बैलेंस्ड है ऐसा दिया है, है ना, पी नल पॉइंट है, तो नल पॉइंट है यहाँ पे, बैलेंस्ड है, ये वाला सेक्शन एक्स लेंथ का है और एक्स निकालना है, तो ये रिमेनिंग सेक्शन 10 - x लेंथ का है। अब यहाँ पे देखो, इस सर्किट में भी करंट होगा, यहाँ पे भी बच्चों सर्किट है, अलग ही चल रहा है उसका, उसका करंट कितना होगा जल्दी से आप निकाल सकते हो, तो दैट करंट विल बी हाउ मच, रियली करंट वी डोंट वॉन्ट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि 20 वोल्ट 10 वोल्ट और 10 वोल्ट 2 ओम के अक्रॉस होगा, 20 वोल्ट में से 10 और 10 2 वोल्ट के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस होगा, तो 10 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यस वाई योर कॉमेंट्स में लिखो, और 10 वोल्ट ही ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर पाएगा, यहाँ पे बैलेंस कर पाएगा। सो 10 - x 10 मीटर्स अगर आपका 60 वोल्ट्स बना रहा है, तो 10 - x मीटर्स आपका 10 वोल्ट्स बनाना चाहिए, 10 वोल्ट्स को बैलेंस करना चाहिए। सो दिस यू कैन अप्लाई एंड राइट डाउन एज, है ना, यूनिटरी मेथड भी लगा लो, जो भी लगा लो, x का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा, सो 1 - 1/6 1 - 1/6 इस तरह से कुछ आ रहा है, या जो भी है आप इसको, इनफैक्ट यू ट्राई इट लाइक दिस, x इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने कुछ तो छोटी सी गड़बड़ कर दी है, तो 10 - 1/6 ऐसा कर दो, 10 - x 10 - x इज इक्वल टू 10 - x इनटू द पोटेंशियल ग्रेडियंट 6 इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। हाँ, नाउ आई हैव रिटन राइट थिंग, 10 - x लेंथ इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, लेंथ दैट इज बैलेंस्ड इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वी, ये लिखना चाहिए मुझे रादर, तो दे ये जो भी आ गया आपका 10 - x इज इक्वल टू 5/3 और x आपको पूछा था, ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था, तो आई होप 30 - 5/3 विच इज 25/3 इज द करेक्ट आंसर, 25/3 है, बी आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन में, बी लिखा है रामकृष्णन ने, बी लिखा है, काफ़ी बच्चों ने बी लिखा है, नहीं लिखा है, तो बच्चों आप लोग ट्राई करो, सी लिखा है, अदरवाइज आपने, मैंने देखा सिर्फ रामकृष्णन का सही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू शुड मेक, कंपटीशन में आ रहे हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन कल दिया था, इसको ट्राई करें। चलो, आपको अगर कल का कंसेप्ट अभी समझ में आ गया, देन ट्राई दीज क्वेश्चंस, ट्राई दीज क्वेश्चंस राइट अवे, ओके बेटा, ऑल राइट, तो ये देखो आप अभी ट्राई करो इन क्वेश्चंस को और मुझे बताओ, ठीक है, ओके। अरे क्या हो गया, क्या आज भी वॉल्यूम का इश्यू नहीं है बच्चे? आई वेंट होम एंड चेक्ड ऑन माय पर्सनल पीसी के वॉल्यूम का कोई भी इश्यू नहीं था, मैंने चेक किया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। पी फिर से नल पॉइंट पे है, उस केस में आपका एक्स लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा हूँ, एक्स इस बार मैंने ये लिया है, एक्स इज दिस लेंथ, उस केस में क्या आंसर आएगा आपका, लेंथ कितना आएगा बताओ, ओके। Why it is a Wheatstone? Wheatstone bridge की ही applications हैं ये सब। Potentiometer क्या है? एक 10 meter long wire होता है, उसमें आप balance कर रहे हो, तो Wheatstone bridge क्यों है? क्योंकि ये वाला section का voltage, ये वाले section के voltage से balanced है, okay? Galvanometer में no deflection है, ये condition है।
जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज की ब्रांच में गैल्वेनोमीटर डाल देते हो, नो डिफ्लेक्शन आता है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। वही कंसेप्ट मैंने बताया था कल आपको, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज ड्रॉ करके भी बताया था। तो ये वाला कंसेप्ट फिर से लगाओ। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाले सर्किट में किरचॉफ्स लूप लॉ से आप करंट आई निकाल लो बच्चों। करंट आई कैसे जाएगा, 8 वोल्ट वाली से करंट आई अगर निकल रहा है, देन कैन आई राइट दैट इंक्रीज इन द पोटेंशियल -8 +2i +2i ड्रॉप दोनों के अक्रॉस, एंड इसके अक्रॉस भी ड्रॉप +2 वोल्ट इक्वल टू 0। तो आई का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय है ना, या 8 -2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 6/4, आई का वैल्यू 3/2 आ गया। करंट अगर 3/2 आ गया तो इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3/2 × 2 + 2 ड्रॉप हो रहा है, प्लस यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ब्रांच, दिस एंटायर ब्रांच, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट V, इसका आपका आंसर आ गया 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट को ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस कर देगा एक्स लेंथ में, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये 100 वोल्ट है, सुनो मेरी बात, 100 वोल्ट है, 5 ओम और 20 ओम सीरीज में लगाया है, मतलब 25 ओम। तो 25 ओम्स में 100 वोल्ट विल कैरी व्हाट करंट, तो आई डैश इस ब्रांच इसमें करंट है आई डैश, ओके। और ये देखो पोलैरिटी भी मैंने ऐसे बनाया जानबूझ के, सो आई डैश इज द करंट हियर विच इज 100 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 4 एम्पियर करंट फ्लोज हियर, ओके। एंड 4 एम्पियर की वजह से 20 ओम में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, वी नॉट, जिसको अपन कल बोल रहे थे, तो 20 ओम इंटू 4 100 वोल्ट्स, सॉरी 20 इंटू 4 इज 80 वोल्ट्स, सो 80 वोल्ट्स अगर आपका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है। और आपको कैसे बैलेंस करना है, एक्स लेंथ में कितना बैलेंस होना चाहिए आपका, 5 वोल्ट्स, तो 5 वोल्ट्स एक्स लेंथ में बैलेंस हो रहा है। तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 80 इंटू टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये बातें समझ में आ रही कि नहीं, 5/8 मीटर्स पे जाके बैलेंस होगा, ये आपका ए आंसर होगा। ए किसने लिखा है, चलो इस बार काफ़ी बच्चों ने आंसर लिखा है ए, वेरी गुड वासु एंड धीरज, ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्स। सो भगवत आपको समझ में आ गया बेटा, ओके ग्रेट, ओके डोंट स्पैम, ओके एक बार आंसर आप लिख दोगे तो भी मैं, नितिन का सही है, बंदाना का सही है, बहुत बढ़िया भाई, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों। सो ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, इसी टाइप के एप्लीकेशंस आपको आनी चाहिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना, आपके किसी भी कंपटीशन के सिलेबस का पार्ट है ये सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे और भी दूंगा, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। पोटेंशियोमीटर का ये क्वेश्चन भी मैंने होमवर्क में दिया था, व्हाई डोंट यू ट्राई इट इन द नेक्स्ट 1 मिनट, आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन में। एक्चुअली इसको आप ओरल भी कर सकते हो, 1 मिनट में ट्राई करो जल्दी से, ओके बच्चों। हाँ वंदना आपका नाम भी लिया मैंने, आपने भी बोला, दैट्स राइट एंड योर आंसर वॉज राइट, ओके। चलो चलो जल्दी से कंसेप्ट सीख लो बच्चों, क्वेश्चंस के थ्रू बेस्ट तरीका होता है, थोड़ा सा ट्राई करो। एंड वंदना, इफ दैट इज द राइट प्रोनंसिएशन, आई एम सॉरी, ओके ग्रेट। चलो गौरव का भी सही था बिल्कुल, ये वाला आंसर क्या आ रहा है, ये आंसर क्या आ रहा है, काफी बच्चे सी लिख रहे हैं, इज दैट करेक्ट, आई डोंट नो, आई विल वेट फॉर 30 मोर सेकेंड्स आई एम गिविंग यू, ट्राई दिस क्वेश्चन राइट नाउ, ओके। अरे ये वाला ट्राई करो, ये वाला जल्दी से ट्राई करो, इसके थ्रू सारे में कंसेप्ट सेम है, सभी क्वेश्चंस में सेम ही कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। क्या हमने कोई फॉर्मूला लगाया किसी भी क्वेश्चन में, नहीं, कंसेप्ट ध्यान में रखो बच्चों। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ एल दे दिया, इस बार मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, एल दे दिया आपको, देन इन दैट केस 9R उसका रेजिस्टेंस है, 9 × r, तो उस केस में आपको एप्सिलॉन बाय 2 को बैलेंस करना है। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, एप्सिलॉन बाय 2 एंड 2R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कोई काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना है, 0, जो भी करंट होगा वो कहाँ होगा, इसी ब्रांच में, आई डैश इधर चला जाएगा, आई डैश इधर आ जाएगा, इधर कोई भी करंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का नो डिफ्लेक्शन है। यहाँ अगर एक सर्किट में बनाता, यहाँ मैं अगर एक सर्किट बनाता तो उसमें करंट हो सकता था, बट अभी एक ही ब्रांच है, द करंट इज 0, दैट इज मीन दैट मीन्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 को बैलेंस करना है। अच्छा देखो, एप्सिलॉन बैलेंस हो रहा है 9R प्लस R पे,
एप्सिलॉन गेट्स बैलेंस्ड ओवर 9R प्लस R, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप पूरा एप्सिलॉन है 10R में इस सर्किट में, तो आपका करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन बाई 2 कितनी लेंथ में बैलेंस होगा, कितनी लेंथ में बैलेंस होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज 9R इज इक्वलेंट टू L लेंथ, ये बात है। तो मेरे को पता है एप्सिलॉन बाई 2 गेट्स बैलेंस्ड इन, ये 10R है तो 5R लेंथ में, है ना, बट 5R 9R अगर L है तो 5R क्या इक्वलेंट लेंथ क्या होगा। सो क्लियरली द आंसर इज 5L बाय 9, ओके। ये ऑफ कोर्स आपका जो क्वेश्चन था वो ओरल क्वेश्चन था, आप कर सकते हो, मैंने थोड़ा बहुत लिखा, समझ में आ रहा है, यस वाई यो लिखो, समझ में आ रहा है कंसेप्ट। एंड बिल्कुल द आंसर इज 9L बाय, है ना, तो काफी बच्चे बी लिख रहे थे, वेरी गुड, काफी बच्चे पहले सी लिख रहे थे, तो अभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। वासु एंड विदीप्ता, यस, एंड रामकृष्णानंद इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन अगेन, ग्रेट स्टूडेंट। सो कैन आई स्टार्ट, कैन आई मूव अहेड इन द लेक्चर, एंड वॉट यू नीड टू डू इज अगेन शेयर द लिंक, इफ यू हैव ऑलरेडी डन इट, डू इट फॉर द सेक ऑफ दोज स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डोंट गेट टू लर्न आरसी सर्किट्स, ओके, क्योंकि उनको कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं होता है, तो क्या करेंगे आप उनको हेल्प करने के लिए। सो आई एम गेटिंग स्टार्टेड विद आरसी चार्जिंग सर्किट, ओके, ये भी आपके कंसेप्ट सिलेबस का पार्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इससे आपको डरना नहीं चाहिए, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो क्या होगा, अगर ये EMF, ये आपने R और C एक पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से मैंने बना दिया है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर आर इन सीरीज एंड दे आर कनेक्टेड टू दिस सर्किट, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस एज यू क्लोज द की, T इक्वल टू 0 पे की क्लोज कर दिया, तो क्या होने वाला है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, क्या होगा बोलो, कॉमेंट्स में लिखो। यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, बैटरी की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इफ यू टी इक्वल टू 0 पे क्लोज दिस, टी इक्वल टू 0 पे आपने की क्लोज किया, तो उस केस में इस सर्किट में करंट डेवलप होगा आई, एंड वो करंट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू ऑन दिस कैपेसिटर। याद है कैपेसिटर्स के कंसेप्ट, याद तो होंगे ही, पढ़ा था पूरा अच्छे से। तो बच्चों यहाँ पे देखो, आप करंट इस तरह फ्लो होकर यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, समझ आ रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैंने करंट लिया, पर क्या ये होता रहेगा, क्या ये करंट होता रहेगा, क्या ये करंट होता रहेगा, इस तरह से कुछ देर बाद करंट स्टॉप भी हो जाएगा, बिकॉज ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी अगेंस्ट द कैपेसिटर। ये बात को समझने की कोशिश करो बच्चों, एज सून एज यू क्लोज इट, ओके, एकदम से क्या होगा, यहाँ से करंट चालू होगा, ठीक है, बट ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सम क्या होना चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप लूप लॉ लगाओ, इफ यू अप्लाई लूप लॉ, ओके, सपोज आई एम अप्लाइंग लूप लॉ इन दिस डायरेक्शन, तो किरचॉफ्स लूप लॉ क्या था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई आर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस साइन के साथ आई आर, फिर यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, अगेन क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर पे, तो आप क्यू बाय सी, ड्रॉप हो रहा है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। फिर आप इधर आ गए, इधर आ गए, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आप आए, यानी कि आपका पोटेंशियल का गेन हुआ, तो गेन ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव, दिस एंटायर थिंग इज जीरो, यू आर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। अगर ये इक्वेशन आ रही, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इक्वेशन आ रही बच्चों, बट करंट वेरी करेगा टाइम के साथ, क्योंकि क्या होगा, धीरे धीरे करंट चेंज होगा। करंट क्यों चेंज होगा भाई, चार्ज एक्यूमुलेट जो हो रहा है कैपेसिटर पे वो बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ जो चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप q/c भी बढ़ेगा, q/c बढ़ेगा और I कम होना पड़ेगा। इस तरह से वेरिएबल करंट और वेरिएबल कैपेसिटर का चार्ज वाला केस है बच्चों। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर वेरिएबल है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, इस पूरी चीज को आप लिख लो, आई आर इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस क्यू बाय सी, ओके। इसको अगर आप एलसीएम भी ले लोगे और थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, आई इज इक्वल टू, लेट्स राइट इट, सी एप्सिलॉन माइनस क्यू। तो इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो, आपको मैं ये डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, इसको अगर आप समझ गए तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये समझ में आ रहा है, किरचॉफ्स लूप लॉ लगाया, ये लिख सकता हूँ, इसी को रीअरेंज करके लिख रहे हैं, बट आई इज वॉट रियली, वॉट इज आई, द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस ब्रांच इज ऑल्सो सेम इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। कैन आई राइट आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आप क्यों लिख पाएंगे,
क्योंकि आपको पता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यों क्या है बच्चों, चार्ज ऑन द कैपेसिटर किस रेट से बढ़ रहा है, टाइम के साथ किस रेट से बढ़ रहा है, सेम ही ब्रांच में आपने कनेक्ट किया है तो आर या आई इज इक्वल टू क्यू डी क्यू बाई डी टी, ये बात समझ में आई ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो मैंने लिखा डी क्यू बाई डी टी इज दिस एंटायर थिंग ओके, वन बाय आर सी एंड सी एप्सिलॉन माइनस योर क्यू वैल्यू ओके। इस पूरी चीज को आप रीअरेंज करो, हमेशा इंटीग्रेशन से पहले मैंने आपको क्या बोला है, एक साइड में एक ही वेरिएबल रखना है, एक तरफ लेफ्ट साइड में आप q को ले आओ, तो डी क्यू डिवाइडेड बाय सी एप्सिलॉन माइनस क्यू इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय आर सी, ऐसा लिखो, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। फिर आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉपर लिमिट्स रखनी पड़ेगी, लेट्स इंटीग्रेट दिस। t इक्वल टू जीरो पे आपका q का वैल्यू क्या है, चार्ज क्या था कैपेसिटर पे, तो देखो बच्चों आपको अच्छे क्वेश्चंस में जब आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इनिशियल चार्ज भी हो सकता है कैपेसिटर पे दे दें ठीक है, तो उस केस में आपको मेथड यूज करके आंसर लाना पड़ेगा, फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो फॉर्मूले पे ध्यान मत देना, फोकस मत करना, आप एक्चुअली मेथड पे ध्यान दो, कैसे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से ही अपन लेके आ रहे हैं ये सारी चीजें। टी इक्वल टू जीरो पे अब मैं बोल रहा हूँ सपोज चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो, इफ दैट इज जीरो देन टी टाइम पे चार्ज कैपेसिटर पे क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं अपन यहाँ से। मुझे ये बताओ कि इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप यहाँ लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस सॉर्ट इज ln c epsilon माइनस q एंड माइनस साइन, डू यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आप इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस एक्स वाली फॉर्म है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो क्या होता है, a प्लस बी एक्स वाली फॉर्म है इनफैक्ट, तो इंटीग्रेशन में a प्लस बी एक्स अगर डिनोमिनेटर था, ln a प्लस बी एक्स आता था एंड डिवाइडेड होल थिंग डिवाइडेड बाय b, b यहाँ पे क्या है माइनस वन साइन है, तो वो फॉर्मूला आई होप आपको याद है, आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो थोड़ा सा मैंने जो बोला उसको देख लो फिर से, एंड वन बाय आर सी इंटू टी ऐसे लिख देंगे। ये पूरी चीज को देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, माइनस साइन को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ और मैंने लिमिट्स भी लगाए, तो यहाँ से जीरो से टी लिमिट्स लगाए तो टी लिख देंगे, और लिमिट्स लगाते जीरो से क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स लगाना आपको आता है, सो माइनस टी बाय आर सी, देखते रहो बच्चों, देखो तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन में आएंगे तो आप कैसे करोगे, एक बार आप अपर लिमिट रख दो एंड ln a माइनस ln b डायरेक्टली लगा दो तो लोअर लिमिट रख दिया, ln a बाय b हो जाता है, ln a माइनस ln b इस तरह से, तो log ln का मतलब क्या है, log टू द बेस e, log टू द बेस e है ये बच्चों, सो c epsilon माइनस q डिवाइड बाय c epsilon इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय rc, e टू द पावर माइनस t बाय rc ऐसे लिखोगे आप, इसको अगर आपने ऐसे लिख लिया थोड़ा सा और रीअरेंज करो, 1 माइनस q बाय c epsilon इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय rc, बिल्कुल थोड़ा लंबा जा रहा है तो लंबा तो जाएगा, ये सारी चीज़ें अंत में आ रही करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो एक्सपेक्टेड है आपका यही वाला चीज़ मैं आगे लिख रहा हूँ, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय rc इंटू इंटू ये c epsilon उधर फेंक दो तो c epsilon इंटू c epsilon। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ कैपिटल q इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय rc, थोड़ा सा संयम रखो और इसको समझेंगे ठीक है बच्चे, ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर है ठीक है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इस तरह से वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, और अगर ये चार्ज ऑन द कैपेसिटर है देन करंट इन द सर्किट किसी भी पॉइंट पे आई कितना था, दैट वाज डी क्यू बाई डी टी, उसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दो पकड़ के क्या आएगा, क्यू एज इट इज 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ई टू द पावर माइनस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी का डिफरेंशिएशन, तो माइनस टी बाय आर सी एज इट इज इनटू चेन रूल टी बाय आर सी वाली का डिफरेंशिएशन वापस चेन रूल, तो माइनस वन बाय आर सी, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका करंट का वैल्यू इस केस में बच्चों ध्यान दो क्यू बाय आर सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी आ रहा है, दिस इज द करंट एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई इज इक्वल टू सम आई नॉट वैल्यू
e to the power minus t by rc, minus t by rc. यहाँ तक बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो मुझे बताओ कमेंट्स में क्या समझ में आ रहा है. ओके, मैथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स. इनफैक्ट आई एम डूइंग अ मैथमेटिक्स का कोर्स ऑन प्लस असेंशियल मैथमेटिकल टूल्स और फिजिक्स. ओके, उसको चेकआउट करो अगर आप प्लस पे हो बच्चों. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूले कहाँ पे लगाने हैं, कौन सी चीज़ इंटीग्रेट कैसे करना है, लेफ्ट साइड में सारा क्यू वेरिएबल, राइट साइड में टी वेरिएबल, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे लिमिट्स लगाना है, ये सारी चीज़ थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए. ये सारी चीज़ समझोगे तब जाके आप IIT लेवल के, एम्स लेवल के क्वेश्चंस कर पाओगे बच्चों. तो ये दो फॉर्मूले मैंने डिराइव करके आपको बताए. इस पूरे मेथड को बाय योर ओन आप ट्राई करो घर पे, है ना, डिराइव करो. अगर नहीं आता है तो आपको PDF में नोट्स मिल ही जाएंगे, तो उसमें देख लेना. तो क्यू कैसे वेरी कर रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू, हाउ इज इट वेरिंग, क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी. ये बात समझ में आई, ठीक है. क्यू नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको एप्सिलॉन सी बोल दिया. ये जो क्यू नॉट है मैंने कैपिटल क्यू लिखा है, एप्सिलॉन सी है. ओके, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे अपन डिटेल में, बट आई की वैल्यू भी समझ में आ गई जो अपन ने डिराइव किया, उस चीज को थोड़ा और डिटेल में समझ रहे हैं. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज टू फॉर्मूले. एक्चुअली I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी को एक बार गौर से देखो. आई नॉट की वैल्यू अपनी क्या आई, आई नॉट की वैल्यू अपने पास क्या आई, क्यू बाय आर सी अपन ऐसे लिख रहे हैं, बट एक बार आई नॉट को थोड़ा देखो, क्यू बाय आर सी, बट क्यू क्या था आपका, क्यू भी क्या था, सी एप्सिलॉन. सो सी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर सी, सी सी कैंसिल, एप्सिलॉन बाय आर. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ. थोड़ा सा देखो इसको समझेंगे. हम जब t इक्वल टू जीरो लिखते हैं, व्हेन t इज जीरो मतलब जस्ट आपने कनेक्ट किया है, t इक्वल टू जीरो पे i का वैल्यू क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जीरो. e टू द पावर जीरो क्या होता है भाई, वन, मतलब कि i नॉट का वैल्यू एप्सिलॉन बाय r आ गया. यानी t इक्वल टू जीरो पे सर्किट में क्या करंट है, सर्किट में जो भी करंट है t इक्वल टू जीरो पे, All of the potential difference is getting lost across resistance. इस बात को समझो, आपका t equal to zero पे जैसे ही कनेक्ट किया बच्चों, q का वैल्यू क्या है, t equal to zero पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो. कैपेसिटर पे कोई चार्ज आया ही नहीं है ना, कैसे आएगा, आपने जस्ट कनेक्ट किया तो एकदम से तो आ नहीं जाएगा जूप. आप थोड़ा सा टाइम वेट करोगे तो चार्ज बिल्डअप होता है. तो इनिशियली अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर जीरो है t इक्वल टू जीरो पे, मतलब सारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही है. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, उस केस में आई की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन बाय आर. मेक सेंस, मतलब अपना आंसर सही है. इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलता हूँ लिमिटिंग केस एनालिसिस. बच्चों लिमिटिंग केस एनालिसिस, आप जो इक्वेशन लेके आए उसके साथ खेलो, उसमें कुछ वैल्यूज रखो एंड चेक करो वेदर दैट मेक सेंस और नॉट. t इक्वल टू जीरो पे मैंने रखा, ये वैल्यू को थोड़ा सा समझो कि एप्सिलॉन बाय आर करंट है, तो आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन हो गया. एप्सिलॉन मतलब पूरा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज जीरो. नंबर वन, ये बात समझ में आई. एक और लिमिटिंग केस एनालिसिस करते हैं एक और पॉइंट पे. अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स ऑल्सो ड्रॉ दिस ऑन वन मोर पॉइंट विच इज टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत लंबे समय बाद क्या हुआ, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया. ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वाली चीज जीरो आ जाएगी, मतलब कि आपका करंट जीरो हो जाएगा बहुत लंबे समय बाद. मेक सेंस, क्योंकि पूरा पोटेंशियल ड्रॉप फिर आपका कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, उस केस में करंट जीरो हो गया. Why? क्योंकि कैपेसिटर पे इतना चार्ज बच्चों अक्यूमुलेट हो गया कि सारा पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस ही हो रहा है. समझ आ रहा है, तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप उस केस में टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, एंड कैपेसिटर पे चार्ज इसलिए क्या होगा आपका, एप्सिलॉन बाय सी, क्योंकि उस पे पूरा एप्सिलॉन पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. अगर आपको ये दो वैल्यू समझ में आ रही हैं तो एक्चुअली लेट्स ट्राई एंड प्लॉट ग्राफ. ओके, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं बिटवीन तो बिटवीन द करंट, हाउ द करंट वेरीज एंड हाउ टाइम वेरीज, है ना, हाउ द करंट वेरीज विद टाइम. अगर आई ये है एक्सप्रेशन टाइम के साथ, तो कैन यू ट्राई एंड प्लॉट. अभी जल्दी से कॉमेंट्स में भी मुझे बताना किस तरह का ग्राफ लगता है. ऑफकोर्स आप ड्रॉ तो कर नहीं पाओगे कॉमेंट्स में, कोई है जो कॉमेंट्स में ड्रॉ कर लेगा. ओके बच्चे, बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात. अगर आप आई वर्सेज टी ड्रॉ करोगे
then how will it look? एक दो पॉइंट्स आप यहीं से ले लो. T equal to zero पे epsilon by R है. T equal to zero पे यानी कि यहाँ पे आपका ये epsilon by R है. T equal to zero पे आपका करंट ये है. उसके बाद करंट कैसे वेरी होगा? Tending to infinity पे after a long time zero हो जाना चाहिए. So this exponential variation, exponential function है, वो किस तरह से होता है आपको draw करना आना चाहिए. So this will actually go like this, इस तरह से decrease करेगा. और अगर आप एक पॉइंट ले लोगे, स्पेशली एक पॉइंट ले लो बच्चों, व्हेन टी इज इक्वल टू आर सी, थिंक अबाउट दिस. टी इक्वल टू आर सी, एक पॉइंट में ले लेता हूँ. टी इक्वल टू आर सी पे यहाँ पे वैल्यू रखो, करंट कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर सी अपॉन आर सी. ठीक है, तो ये आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन, आई नॉट ई टू द पावर माइनस वन मतलब आई नॉट बाई ई. बच्चों आई नॉट बाई ई इज ई का वैल्यू, वन बाई ई का वैल्यू क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 0.37 अगर है तो ये आपका 0.37 आई नॉट हो जाता है. तो ये एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर लो. टी इक्वल टू आर सी पे, टी इक्वल टू आर सी को अपन एक और टर्म से बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, विच इज योर टाइम कॉन्स्टेंट टाओ. टाइम कॉन्स्टेंट टाओ एक टर्म होता है बच्चों, तो उसकी टर्म्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वन टाइम कॉन्स्टेंट पे कितना होगा, टू टाइम कॉन्स्टेंट्स पे कितना होगा. तो अगर वन टाइम कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू आर सी पे मैंने निकाला तो वो कितना आ रहा है आपका 0.37, यानी इनिशियल का 37% है ना, आई नॉट का 37% 0.37 आई नॉट इज द करंट है ना. तो एक टाइम कॉन्स्टेंट में करंट कितना हो गया, ओरिजिनल जो था उसका 37% हो गया. तो दो टाइम कांस्टेंट में और कम हो जाएगा. और इसी तरह से बच्चों इनफैक्ट तीन चार टाइम कांस्टेंट्स में ही आपका करंट काफ़ी कम हो जाता है. तो आपको कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछते हैं कि करंट इतने टाइम कांस्टेंट बाद क्या है, या क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि आपका पावर क्या होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम. तो उस केस में क्या करोगे, अगेन आई स्क्वायर आर लगाना है पावर के लिए, लेकिन आई का ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान होना चाहिए. ये ध्यान में कब होगा, जब आपने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, कुछ चीज़ें समझ ली हैं इस तरह की कि एक्सपोनेंशियल होता है. और ग्राफ इज एक्चुअली द बेस्ट मेथड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ग्राफ अगर आपने किसी चीज़ का खुद से बनाया है ना, टी इक्वल टू जीरो पे आई नॉट था, उसके बाद आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू पूरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस हो रहा है, उसके बाद कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. उस केस में एक टाइम कांस्टेंट पे, तो टाइम कांस्टेंट को ऐसे समझो टी टाओ इक्वल टू आर सी, टाओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक टाइम कांस्टेंट पे 37% हो गया वैल्यू. इस तरह से आप समझ सकते हो, ये आर सी सर्किट का एक ही पार्ट है. दिस इज ओनली द वेरिएशन ऑफ करंट, दिस इज ओनली द वेरिएशन ऑफ करंट विथ द टाइम. ओके, अगर आपको मैं पूछता हूँ कि अदरवाइज हाउ विल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर वेरी विथ टाइम, है ना, तो चार्ज का वेरिएशन विद टाइम, ये भी आपके आरसी सर्किट का एस्पेक्ट है. टी इक्वल टू जीरो पे आपने इसको क्लोज किया, टी इक्वल टू जीरो पे जैसे इसको क्लोज किया तो टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज कितना है आपने पहले ही देख लिया. टी इक्वल टू जीरो रखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर जीरो, ई टू द पावर जीरो इज वन, ये आपका जीरो आ जाता है. टी इक्वल टू जीरो पे बच्चे कितना चार्ज है कैपेसिटर पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने जैसे कनेक्ट किया यहाँ से चार्ज फ्लो होगा और इस पे आएगा, धीरे धीरे अक्यूमुलेट होगा, तो जीरो पे कोई चार्ज नहीं है. यानी कि ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से शुरू होना चाहिए, समझ आ रही है बात. फिर टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बाद क्या होगा बच्चों, आप वैल्यूज रखो यहाँ पे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस है टी इन्फिनिटी है, उस केस में ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी और आपका क्यू नॉट आंसर आ जाएगा. मतलब क्यू नॉट कितना था, सी एप्सिलॉन. सी एप्सिलॉन क्या होता है, सी एप्सिलॉन इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जब पूरा एप्सिलॉन कैपेसिटर के अक्रॉस ही ड्रॉप हो रहा है. पूरा एप्सिलॉन जो बैटरी का ईएमएफ है वो एप्सिलॉन अगर कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, उस केस में करंट कितना होगा, ये बात समझ आ रही, करंट उस केस में जीरो होगा. ये कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी. तो टी टाइमिंग पे इन्फिनिटी पे ये क्यू नॉट का जो वैल्यू है वो आपका चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पे, यानी कि जीरो से स्टार्ट होके ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है. अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा. करंट और चार्ज दोनों एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहे हैं. अगर आपका करंट ज़्यादा होगा तो चार्ज कम होना पड़ेगा, क्योंकि
करंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर क्रिएट कर रहा है, वो वाली सारी चीज़ें। तो ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आए, बोलो यस वाई यू, लिखो कॉमेंट्स में। यहाँ पे भी एक टाइम कॉन्स्टेंट पे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे भी अगर मैं बोलता हूँ आपको टी इक्वल टू टाओ इक्वल टू आर सी पे आपका कितना कितना चार्ज बनेगा, तो टी इक्वल टू टाओ पे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आपका कितना चार्ज बनेगा, टी इक्वल टू टाओ इक्वल टू आर सी पे क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन, वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन बच्चों आपका 0.37 मैंने बोला, तो ये 1 माइनस 0.37 कितना हो गया, 0.67 है ना, तो ये आपका 0.63 टाइम्स आपका Q नॉट हो जाएगा, यानी 0.63 टाइम्स आपका फाइनल वैल्यू जो फाइनल बिल्डअप होने के बाद आता है उसका 63% 0.63 टाइम्स Q नॉट। ये ग्राफ का एक और पॉइंट जो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, 0.63 टाइम्स क्यू नॉट इज 60% ऑफ द टोटल चार्ज दैट विल गेट ऑन द कैपेसिटर। यस, तो टाइम कांस्टेंट ये चीज़ है। टाइम कांस्टेंट को ऐसे भी समझ सकते हो, टाइम आफ्टर विच ग्रोथ ऑफ द ग्रोथ किसका हो रहा है आरसी सर्किट में, ग्रोथ ऑफ द किसका हो रहा है, ग्रोथ किसका हो रहा है आपका चार्ज का ग्रोथ हो रहा है, या डीके किसका हो रहा है आपका करंट का डीके हो रहा है बच्चों, तो ग्रोथ या डीके 63% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे चार्ज का अक्यूमुलेशन 63% हो जाएगा सिर्फ वन टाइम कांस्टेंट में। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है आपको मालूम होने चाहिए। तो कैसा लग रहा है मुझे बताओ समझ में आ रहा है, थोड़ा ये थोड़ा आपको समझना हार्ड है बिल्कुल, बिकॉज ये आरसी सर्किट एकदम आप एक तो कैपेसिटर के कंसेप्ट आने चाहिए ठीक है बच्चे, और एक आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, और बहुत बड़ी बात नहीं है कोई, क्योंकि ये तो देखो आपके सिलेबस का पार्ट है तो आपको पढ़ना ही है, हर बार जो ट्वेल्थ क्लास में बच्चे आते हैं वो पढ़ते ही हैं ठीक है। और आप रेगुलरली अगर आ रहे थे, इफ़ नॉट अगर आप रेगुलर नहीं थे बच्चों, अभी जाके सारे लेक्चर्स देखो, प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे लेक्चर्स, देखने के बाद ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आएगी 100%। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि ये चीज़ तो आपको समझनी आनी पड़ेगी एक बार। हाँ, इसमें हमेशा ऐसा होता है बच्चों, आरसी सर्किट में हमेशा ऐसा होता है एक बार, क्योंकि टू मच मैथमेटिक्स है, एक बार आपको खुद से हाथ से लिख के डिराइव करना बहुत ज़रूरी है ठीक है। तो ये आज मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आज ही आप ट्राई करना इसको खुद से डिराइव करने का, इन ग्राफ्स को खुद प्लॉट करने का, समझना इनसे और क्वेश्चंस के थ्रू भी समझोगे आप। सो दीज टू एक्सप्रेशंस इफ़ यू अंडरस्टैंड, लेट्स डू सम क्वेश्चंस क्विकली जिससे आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे क्या चल रहा है ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू समझना कई बार आसान हो जाता है। टी इक्वल टू जीरो पे स्विच को क्लोज कर दिया, चलो ठीक है वही सिचुएशन है, तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होगा, इस कैपेसिटर में मैक्सिमम कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट्स में अभी। ओके तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अलग सेशंस में बच्चों प्लस पे ले रहा हूँ ओके। अदरवाइज आपको नमो सर ने बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज यूट्यूब पे करवाए हैं तो वो भी आप देख सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स में ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब आप सीख लेते हो 11th में, तब जाके आपको 12th में दिक्कत नहीं आती बच्चों। बट आई कैन अंडरस्टैंड कुछ बच्चे 12th में आके जेई की तैयारी करते हो, लेकिन आपको बच्चों बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये अभी से सीख लो ठीक है, क्योंकि 3-4 महीने बाद तो आपका बहुत लेट हो जाएगा, अभी सीख लो, अभी भी चांस है, जून चल रहा है, काफ़ी टाइम है, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख लो जल्दी से बचे हुए 15 दिनों में ओके बच्चों। तो ये आपके आंसर्स आ गए, वेरी गुड, काफ़ी आपको समझ में आ रहा है। मतलब देखो बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द करंट इन द सर्किट व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम करंट विल टेंड टू जीरो एंड चार्ज हियर विल टेंड टू एप्सिलॉन बाय सी, ये बात आपको समझ में आ गई। तो उस केस में एनर्जी स्टोर्ड कई बार पूछ लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आप ऐसे लिख दो, तो बिल्कुल मैक्सिमम चार्ज से ही आपका मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड आएगा विच इज सी एप्सिलॉन बाय सी ठीक है। तो हाफ या मतलब क्यू स्क्वायर बाय टू सी लगा रहे हैं अपन, या फिर ये लगा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही कि ये कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर भी लगा सकते हो है ना, क्यू स्क्वायर बाय टू सी भी लगा सकते हो, क्यू का वैल्यू सी एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू सी एप्सिलॉन इन्फिनिटी टाइम के बाद कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अगर आपका ये है तो दिस इज
1 second C epsilon. तो C epsilon और आपका by C जो भी है, तो चलो आपके आंसर बिल्कुल मेरे से पहले आ गए. I can see epsilon square and C A is the correct answer. बिल्कुल बिल्कुल. और एक और question करते हैं जल्दी से. इस question का answer करो बच्चों, please try and do this one. क्या बताना है बंदना, क्या पूछ रहे हो बेटा? ओके सो ग्रेट सचिन, इफ यू आर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान, स्टिल आप देखो बेटा और आंसर करो और बताना आपको कैसा लगता है. डिफरेंशिएशन वाला सेशन, डिफरेंशिएशन वो एक कोर्स चल रहा है जो कि प्लस प्लेटफॉर्म पे है. तो आप अगर प्लस प्लेटफॉर्म unacademy.com/plus पे जाओगे, उस पर आपको दिख जाएगा. ठीक है, कि फ्रंट पेज पे ही ऑल ऑफ अस आर टेकिंग व्हाट कोर्सेज, कौन से कोर्सेज ले रहे हैं. ठीक है, थैंक यू उषा, आप बोल रहे हो A1 एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, ग्रेट. तो बच्चों समझ आ जाएगा, आप रेगुलरली आ रहे हो तो बिल्कुल आएगा. ओके बेटा, ओके ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, जस्ट T=0 पे क्लोज किया, उसके बाद क्या टाइम के बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर. इस टाइप की चीजें पूछी है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो. इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाना चाहिए. तो बच्चों ऐसे टेढ़े क्वेश्चन भी आपको, थोड़ा सा ये टेढ़ा है पर सिंपल है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और भी डिफिकल्ट बन सकते हैं. वी आर इज आई आर, है ना, वी सी इज क्यू बाय सी, दीज टू हैव टू बी इक्वल. तो आप क्या करो, आई आर इक्वल टू क्यू बाय सी ये लिखा अपन है, बट टाइम के साथ ये कैसे वेरी कर रहे हैं. करंट इतना ध्यान रखो कि आपका टाइम के साथ डिक्रीज होता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है. मतलब ये एक्सप्रेशन क्या था आपका, फाइनल वैल्यू एप्सिलॉन बाय आर थी, है ना, मतलब इनिशियल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन बाय आर थी करंट की. देखो मैंने भी कभी ये रटा नहीं, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मैंने ये चीज कभी रटी नहीं, क्योंकि मुझे कंसेप्ट याद था इनिशियली मैक्सिमम होता है एप्सिलॉन बाय आर और वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है. तो 1-e-t/rc इनटू आर, आई का वेरिएशन ये था. ठीक है, और क्यू का वेरिएशन क्या था, क्यू पता है आपने को इनिशियली जीरो था, फिर बढ़ता है, एक्यूमुलेट होता है चार्ज. तो क्यू का वैल्यू क्या था, फाइनली क्या हो जाएगा जब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय, है ना, एप्सिलॉन इनटू सी, तो बाय सी है पहले से यहाँ पे, और मेरे को पता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, आपका जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना चाहिए. तो उस केस में आप क्या करोगे, ओके तो वो इंक्रीज होता है, तो 1-e^r यहाँ पे लिखोगे, बिल्कुल ओके. तो एक्साइटमेंट में मैंने ये चीज क्या बोल दिया कि ये वाला चीज और ये वाला चीज, ओके तो इसको ध्यान में रखो बिल्कुल. तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज. तो इंक्रीज विल हैपन हाउ एग्जैक्टली, 1-e^t/rc, बिल्कुल. चलो ठीक है, इसको आप अगर लगा लोगे तो क्या आंसर आएगा, एप्सिलॉन भी कैंसिल हो जाएगा, आर भी कैंसिल हो जाएगा, योर e^t/rc इज इन फैक्ट इक्वल टू 1/2, आई कैन सी, है ना, ये इधर आ जाएगा 1/2, या e^t है तो e^t/rc पे आ जाएगा 2, और जो भी है आपका ln 2, आप लॉग ले लो दोनों तरफ. तो बिल्कुल आपके आंसर्स एकदम सही है बच्चों, आपके आंसर्स मैंने देख लिए कमेंट्स में, वेरी गुड. सो ग्रेट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द आंसर, एवरीबॉडी इज गेटिंग ग्रेट. तो आपको क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, मतलब ग्रेट. आरसी डिस्चार्जिंग में भी यही कंसेप्ट है बच्चों, चार्जिंग सर्किट में ये कंसेप्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का. तो डिस्चार्जिंग सर्किट कैसे वर्क करेगा, बाय द वे ये जो की था आपका, जो आपने एप्सिलॉन से आर और सी का सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्ट कर रखा था, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, क्यू कितना हो गया, है ना, सी एप्सिलॉन, वो चार्ज जो है सपोज बना हुआ है और सर्किट में कोई भी करंट नहीं है, सपोज T=0 पे सर्किट में कोई करंट नहीं है, फिर आपने T=0 पे ये स्विच किया, ये कि यहाँ से यहाँ पे लगा दिया, यानी कि ये वाला कनेक्शन आपने ब्रेक कर दिया. तो ये आर और सी आपके इस तरह से अरेंज हो गए, और इस पे इनिशियली जो चार्ज था वो कैपिटल क्यू था सपोज, पर थोड़े टाइम बाद इस पे क्यू चार्ज आ जाएगा. ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे चार्ज कम क्यों हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, बिकॉज हियर करंट विल बिल्ड अप लाइक दिस, करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसा जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर जाके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, ऐसा सर्किट होगा, समझ आ रहा है. तो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, अब यहाँ से चार्ज जो है वो इसके अक्रॉस करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें उस केस में कैन यू टेल मी
what will be the value, है ना? आपको अगर मैं Kirchhoff's loop law यहाँ पे लगाने को बोलूँ, इस direction में, current की direction में ले लो हमेशा, यहाँ से start करते हैं, तो IR, यहाँ पे भी देखो, थोड़ा catch है यहाँ पे भी, आसान है, पर catch भी है, यहाँ पे potential drop हो रहा है, एंड यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो, आप negative plate से positive plate पे आ रहे हो, तो potential आपका increase कर रहा है, so negative Q divided by C is the potential drop equal to zero, you came back to the same point, इस circuit में आप देखोगे, कोई भी बैटरी नहीं है, राइट? तो दो ही जगह पे पोटेंशियल हो रहा है, तो इस तरह से अगर आप लिखोगे आई आर इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी, चलो ठीक है, पर यहाँ देखो आई का वैल्यू और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, एक तो मैंने कैपिटल क्यू यूज़ कर लिया, किसी भी पॉइंट पे स्मॉल क्यू है, तो ये किसी भी टाइम पे है ना, इनिशियली कैपिटल क्यू था, मैंने सपोज कुछ टाइम टी पे स्मॉल क्यू चार्ज है वो लिखा है, तो स्मॉल क्यू चार्ज है उस पॉइंट पे ये लिख दिया मैंने, बट आई और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, आई और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, इज आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे कैच है, ये आई डी क्यू बाई डी टी के इक्वल है कि नहीं है, नहीं है बच्चों, थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर अपन देखें, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, अच्छा ये तो बोल सकते हैं आप लोग कैपेसिटर के थ्रू चार्ज इधर जा रहा है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज होगा टाइम के साथ, चार्ज अगर कैपेसिटर में डिक्रीज होगा तो डी क्यू बाई डी टी एक नेगेटिव टर्म है, क्योंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव टर्म है, और अपन ने करंट इधर लिया है, ये डायरेक्शन अपना करंट का अपन ने पॉजिटिव माना है, तो आपको अप्रोप्रिएटली लिखना है, आपने अपने करंट को पॉजिटिव माना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट माइनस साइन ओवर हियर बिकॉज यू नो दैट कि ये क्यू क्या था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, है ना, ये dq by dt, ये डेफिनेशन नहीं चेंज हो गई है बच्चों, डेफिनेशन ऑफ करंट हैज नॉट चेंज, रादर q क्या था, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और I क्या था, करंट इन दिस ब्रांच, बट आपको पता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीज होगा और dq by dt नेगेटिव होगा, जस्ट टू मेक बोथ द साइड्स पॉजिटिव यू हैव टू इंसर्ट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, तो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो यहाँ पे आगे मैं लिख रहा हूँ माइनस dq by dt, इस चीज को लिखोगे इक्वल टू q by rc, आप लिखोगे इस चीज को, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लेके इंटीग्रेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत, डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू माइनस इधर ले लो डी टी बाई आर सी, इसी को इंटीग्रेट कर दो, तो इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या रखोगे बच्चों, फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट्स आप क्या रखोगे, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट जीरो नाउ, इट इज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज है, और टी टाइम पे कुछ तो स्मॉल क्यू हो गया, तो यहाँ पे ln बन जाएगा आपका ln of q divided by q, लिख दूँ डायरेक्टली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln a माइनस ln b लगा दिया इक्वल टू माइनस t by rc, चलो ये सारी चीज़ें चल रही है, अब इसमें आप इसको रीअरेंज करके q इक्वल टू कैपिटल q e टू द पावर माइनस t by rc लिख सकते हो, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन है q का जो टाइम के साथ इस तरह से वेरी हो रहा है, q का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, q का एक्सप्रेशन ये वाला मैं यहाँ लिखता हूँ q इक्वल टू q e टू द पावर माइनस t by rc, सुनो इसको, अभी अगर आपको चार्ज मिल गया इस पे एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसमें करंट कितना होगा, कैसे निकाल रहे थे आप, माइनस डी क्यू बाई डी टी से, बिकॉज ऑफ द थिंग आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी करो तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू इन टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी अपॉन डी टी, तो ये माइनस माइनस इनफैक्ट आपके प्लस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो वो प्लस हो जाएंगे, तो क्यू डिवाइडेड बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत बेसिक चीज़ है आपको बच्चों, आता है वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो समझो उसको, q by rc को i नॉट भी लिख सकते हैं, तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है q by rc को आप i नॉट लिख दो, एंड माइनस dq by dt, माइनस dq by dt इज माइनस q into दिस होल थिंग, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है राइट, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस वन by rc into e to the power माइनस t by rc, एंड ऑलरेडी देर was a माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस एंड e to the power माइनस t by rc, तो ये करंट का एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, एंड चार्ज वाला एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा ठीक है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखो, ये दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं, ये दोनों ही आपके एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहे हैं, इनको आप ड्रॉ कैसे करोगे, इनको आप कैसे ड्रॉ करोगे, इनको अगर आपको ड्रॉ करना है ग्राफ में,
सो पहले क्यू वाला लेते हैं, क्यू ई टू द पावर माइनस सी बाय आर सी कैसे ड्रा होगा? एनीवन? अच्छा मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ क्या ड्राइंग आ रही है आपकी. ओके ऑल राइट, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठते हैं, ग्रेट. ऑल राइट, थैंक यू मोहित फॉर योर काइंड वर्ड्स. बच्चों आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे क्योंकि टेंथ लेक्चर है, तो आप वो सारे कंसेप्ट जानते हो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ. एंड क्यू का वेरिएशन विद टाइम, तो टी इक्वल टू जीरो कुछ केसेस ले लो भाई. टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज क्या आएगा? क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस, है ना, जीरो आ रहा है, मतलब ये आपका क्यू चार्ज है भाई. वही था टी इक्वल टू जीरो पे कैपिटल क्यू चार्ज माना था आपने, बट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आपका क्या आ जाएगा चार्ज का वैल्यू? ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब जीरो. तो ये क्यू था पहले, उसके बाद जीरो को डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है. बच्चों ये वाला ग्राफ आप बना दोगे, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा. इसमें भी एक टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज है, बाय द वे टी इक्वल टू टाउ पे, रिमेंबर टाउ वन टाइम कांस्टेंट, उस पे चार्ज कितना है? क्यू इक्वल टू क्यू ई टू द पावर माइनस वन आएगा, मतलब क्यू बाय ई आएगा, मतलब वन बाय ई की वैल्यू बच्चों क्या होती है? सो वन बाय ई इज 0.37, यू रिमेंबर दैट. क्यू इज द चार्ज at one time constant, that becomes one more point where you can draw, that you can draw on this t equal to tau पे. ये आपका 0.37 मतलब 37% पे आ गया, already total charge का 37% हो गया एक time constant में. तो एक time constant में हमेशा आप ये value याद रखो, अच्छा रहेगा. graph में याद रखोगे, graph खुद बनाओगे, खुद ब खुद याद हो जाएगा. okay, I'm talking about याद रखना, ठीक है. charge कैसे decrease हो रहा है exponentially, ठीक है, ये चीज़ याद है तो आपको फॉर्मूला याद है, दिस इज इट. ओके, और करंट की अगर मैं बात करूँ, करंट कैसे वेरी कर रहा है बच्चों? आई इज इक्वल टू आई नॉट, तो ये आई नॉट जो भी था आपका टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना आ जाएगा? टी इक्वल टू जीरो पे आई इज इक्वल टू जीरो ओनली, बिकॉज है ना, टी इक्वल टू जीरो पे नॉट जीरो दिस इज हाउ मच. तो मुझे बताओ कॉमेंट्स में ये ग्राफ भी कैसा आएगा. t इक्वल टू जीरो रखो बच्चों, i इक्वल टू आई नॉट, दिस इज प्लस i इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस जीरो विच इज आई नॉट ओनली. तो जो भी आई नॉट है आपका q बाय आर सी अपन ने लिखा था वो है t इक्वल टू जीरो पे, दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे i विल बिकम जीरो. तो दिस इज ऑल्सो ग्राफ लाइक दिस, इसमें भी वन टाइम कॉन्स्टेंट पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? तो आपका वो वैल्यू भी 0.37 टाइम्स 37% आ जाएगा. तो ये टाइम कांस्टेंट वाली चीज़ें ये सब आप ध्यान में रखो, ग्राफ खुद बनाओ, आपको सब समझ में आएगा. तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है. ये टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करो. इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस वैसे भी दिए हैं जिसमें आपको पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है. और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये जो मैं होमवर्क में देता हूँ, आई डिस्कस देम इन क्विज ऑल्सो समटाइम्स, ठीक है, या मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करता हूँ, आज जैसे डिस्कस किए. तो मेक श्योर यू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशंस बहुत सारे अपन ने किए, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जो चीज़ें सिलेबस में नहीं थी वो भी मैंने ट्राई किया है इन्वॉल्व करने का. बट बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती है ना, और जो चीज़ एब्सोल्युटली सिलेबस में नहीं है मैं एक्चुअली उसके लिए है ना इन्वॉल्व भी नहीं करता हूँ. तो वैसे डेल्टा स्टार वो सब किया था, वो भी सिलेबस में नहीं था, पर चलो ठीक है, सारी सिलेबस वाली चीज़ें तो अपनी इंटैक्ट है. ओके, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो, है ना. जैसे मैंने बोल रखा था आपको, जैसे ही एच सी वर्मा मिलती है, कोई भी टॉपिक चालू होता है, यू स्टार्ट एच सी वर्मा, यू स्टार्ट एन सी आर टी. ओके, और भी जो बुक्स हैं वो हमने बेस्ट बुक्स फॉर आई आई टी जेई बता रखा है, उसमें जाके देखो कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए. अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं लाइक करो, शर्माओ नहीं, शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग से आपके दोस्तों को, आपके ऐसे लोगों को जिनको, जैसे अभी अपन ने देखा कि कैसे बच्चे जो दूर दराज के गांव में, उनको कोचिंग क्या, बच्चों स्कूल जाने में भी इतना टाइम लगता होगा. सो फॉर दोज पीपल डू शेयर दिस लिंक राइट अवे इफ यू हैव नॉट डन दैट, इवन इफ यू हैव डन दैट डू इट. आपको आज के सेशन के नोट्स पीडीएफ में थोड़ी देर में मिल जाएंगे. ओके, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, वहाँ सारी बातें हम और भी लिखते हैं. सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए थे, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल बता देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो टॉपिक्स चल रहे हैं. आप कई बार मिस आउट कर जाओगे, अपने स्केड्यूल में नहीं इन्वॉल्व कर पाओगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा क्विज हो रहा है या क्या हो रहा है. तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं. हम टेलीग्राम ग्रुप पे भी है जहाँ पे 7000 से ऊपर बच्चे आ चुके हैं,
टेलीग्राम ऐप अभी डाउनलोड करो, इस लिंक को ब्राउजर में टाइप करो, यू विल बी एडेड टू दैट ग्रुप। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज, कल हम फाइनली मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स अगर सीखना चाहते हो, अनअकैडमी जेई पे 7 to 10 PM वी आर कमिंग लाइव डेली। सो दिस इज गोइंग ऑन डेली लाइव। एंड गाइस, अगर आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी के थ्रू, और आपको पता ही है कि बस टाइमली होगा, सिलेबस टाइम पे होगा, टाइम से पहले होगा, काफ़ी सारी प्रैक्टिस भी बीच में हम करते रहते हैं। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स हाउ योर एक्सपीरियंस हैज़ बीन। वी गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। आपके ही कमेंट से इनफैक्ट हमको इतना एनर्जी एक्स और ये मिल रहा है कि वी आर गोइंग ऑन डेली। ओके, अदरवाइज वी वुड हैव थॉट कि यार क्या कर रहे हैं, बट आपके इतना ऑसम रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देख के हम और डबल एनर्जी के साथ और बूस्टअप होके करते हैं बच्चों। सो ग्रेट ग्रेट इंटरेक्शन, थैंक यू वेरी मच। एंड आई जस्ट एंड माई सेशन, वेट फॉर पारस सर सेशन विच इज स्टार्टिंग इन 5 minutes, एंड यू विल बी लर्निंग ग्रेट थिंग्स इन केमिस्ट्री ऑल्सो। सो बाय एवरीवन, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड।